जयपुर में बड़े पंडित हैं, पंडित कैलाश शर्मा, गणेश जी मंदिर, भगवान मंदिर, वो बार बार ये करना उस मुताबिक की मनोकामना पूरी होती थी। मैं जब अगली बार अच्छा काम करना था उसी वहाँ चलेंगे, तो वहाँ चल कर उसी मंदिर में वहीं उसी खतरे में काम करेंगे। जैसे कि चैनल प्रॉफिट में आए और अच्छा हो तुम सब लोगों का और कुछ और बड़ा काम हो तो इस चैनल हम और खोलने आता पार्ट टू भारत 24 ऐसे जैसे गॉसिप जैसे है, तो वो एक अच्छे उसमें हुआ मुहूर्त के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो शास्त्रों में ज्योतिष में यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। वो तो ठीक है, मैं ऐसे मजाक की बात कर रहा था, लेकिन वास्तविकता ये है और बहुत अच्छे मुहूर्त में उनका हुआ नामांकन जो शुभ मुहूर्त है। कहते हैं रूटीन में होता है ध्यान रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सलाहकार ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, उन्होंने ये भी ध्यान रखा हुआ किस मुहूर्त में कैसे कैसे कहाँ करना चाहिए। खैर नरेंद्र मोदी खुद ही विद्वान पंडित बैठे हुए हैं, तो अच्छा है अच्छे मुहूर्त में हुआ। ऐसा लग रहा था कि भाजपा का पीएम नॉमिनी बल्कि एनडीए का पीएम नॉमिनी अपना पैसा बाकी करने पहुंचा है, इस बात में आपका क्या? इस बारे में ब्रिलियंट है क्वेश्चन, आपका जो है इट वाज अ स्ट्रेटजी मूव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, जो प्लानर्स हैं पीएमओ जो भी जो हैं सारे एलाइज जो है वहाँ मौजूद थे। एक फोटो छपा हुआ है अखबारों के अंदर, तो भाजपा के लोग तो कम थे, एलाइज ज़्यादा थे उसके अंदर। बहुत अच्छा लगा देख के जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलाइज थे मोदी के प्रति उनकी निष्ठा का सार्वजनिक प्रदर्शन हो गया उस दिन। अब कल को कोई एलाइज अगर छोड़ के भागे, कभी ऐसी स्थिति आए मान लो, तो जनता मारेगी पकड़ के कि कल तो खड़े थे आप वहाँ पे, आज कहाँ जा रहे हो भाई इसको छोड़ के, आप बताइए मुझे जो है। तो मास्टरमाइंड मूव था ये, और ऐसा लगा उसके अंदर कि जैसे कि एनडीए का नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी हो, बीजेपी का नहीं हो, तो बहुत बीजेपी के लिए गर्व की बात है कि उनके नॉमिनी को सारे दल स्वीकार कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी, दैट वे जो है। तो बहुत अच्छा था और स्ट्रेटेजिक मूव था पार्टी का, गुड। सर, इस चुनाव के चार बड़े मुद्दे आपके मुताबिक क्या रहे? हाँ, चार बड़े मुद्दे देखिए, संविधान उसको लेके बहस हो रही है, ठीक है, फिर आरक्षण आपका इससे बहस हो रही है, फिर महिला, लोग ऐसे मानते हैं कि आधी महिलाएं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं, आधी आबादी 49% ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। देन मुस्लिम, वो एक डिसाइसिव फैक्टर अलग ढंग से है, जहाँ जितना है 30% है, जो भी है जिस तरह से जो है 30% तो नहीं आता, जितना भी है जो है अपन मानते हैं 20 करोड़ 18 करोड़ जितने लोग जो हैं, तो ये चार फैक्टर हैं जिनके आधार पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है और किया जा रहा है। सर, विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीत जाते हैं तो जो डॉक्टर आम्बेडकर का पुराना संविधान है वो भी खत्म कर देंगे और एससी एसटी आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। विपक्ष कितना कामयाब हुआ इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में? देखो, ऐसा है कि डैमेज हैज बीन डन, कितना हुआ ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और उनकी दृष्टि में, फॉर्चुनेटली कांग्रेस की दृष्टि में, दे आर सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दिस नैरेटिव टू सम एक्सटेंट इन द फील्ड। और मैंने भी कई जगह सुना कि एससी एसटी के मन में वास्तव में इस तरह की एक धारणा बना दी उन्होंने कि 400 सीट लाएंगे, संविधान को ये बदलेंगे, दैट विल है, और आरक्षण खत्म करेंगे। खूब इसका खंडन किया प्रधानमंत्री ने किया, खुद मोहन भागवत ने किया जिन्होंने इनिशिएट किया था सब्जेक्ट को कई साल पहले, अमित शाह ने कहा, लेकिन पूरा डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, ऐसा मेरा मानना। अब तो वोट पड़ चुके हैं जो है, लेकिन मेरा मानना है नुकसान हुआ है इससे। अब कितना हुआ है ये नहीं कह सकते, और ये नुकसान इनोसेंस में हुआ है, किसी के कारण से नहीं हुआ है। भाई बीजेपी तो 400 का अपना कहेगी ना, पर 400 मतलब थोड़ी कि संविधान को बदल दोगा। और पिछले दिनों हमारे यहाँ जो सीनियर एडिटर हैं अजय कुमार, उन्होंने एनालिसिस किया था बहुत अच्छा कि आरक्षण बदल ही नहीं सकते, आरक्षण बंद कर ही नहीं सकते आप, संविधान नहीं बदल सकते आप, दैट वे जो है। लेकिन एक प्रचार होता है, तो प्रचार हो गया वो, तो आई थिंक सम डैमेज हैज बीन डन। कितना है ये 4 तारीख को थोड़ा सा असेस होगा, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑल दीज थिंग्स अगेन द सेम स्टोरी, मोदी सेट टू टेक ओवर। सर, 2029 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू करवा देंगे? आई थिंक 100% पूरी तैयारी हो चुकी है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप आए हैं, सब कुछ हो गया है। अब केवल प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लोकसभा में पारित हो ही जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, पार्लियामेंट में मतलब दोनों जगह जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और है दिक्कत होगी वो तो अमित शाह बैठे हैं, इसमें कोई इशू नहीं, और अच्छी बात है एक अच्छे काम के लिए हो रहा है, दैट वे जो है तो हो जाएगा वहाँ पे। अब वो खाली प्रोसीजरल उनको वर्क करना है कि कितनी ईवीएम मशीनें चाहिए आपको, उसमें कितना स्टाफ चाहिए, कितने
पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, ये चीज़ें होंगी। आई एम वेरी श्योर कि ये गवर्नमेंट इसको करेगी, और मुझे तो ऐसा लगता है 125 दिन जो पहले हैं उसमें शायद इसकी घोषणा भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेलिटीज़ करा के कि हम इसको 2023 में चुनाव जाना होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो सारा साल परेशान रहते हैं, मीडिया वाले भी रहते हैं कि ऐड बंद हो गए 2 महीने, क्यों चुनाव हो रहा है, सरकार वाले परेशान रहते हैं, जनता परेशान रहती है काम नहीं हो रहे कि क्या हो रहा है, अफसर परेशान रहते हैं झोला उठा घर से चल दिए, पत्नी कहती क्यों जा रहे हो हैदराबाद बार बार, कौन समझाए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं केवल घरों के अंदर, आप ड्यूटी कैंसिल करवा लीजिए, ड्यूटी कैंसिल होती नहीं है, एक अलग किस्सा कहानी जो है ये। तो मैं एक ले मैन की ग्राउंड की बात कह रहा हूँ आपसे जो है। तो कुल मिला के क्या है कि एक अच्छा प्रयास है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेशनल इंटरेस्ट में, जिसे कहना चाहिए लार्जर इंटरेस्ट में जो है ये लागू हो जाएगा। 5 साल तो दूर की बात है, बहुत जल्दी इसको लागू मेरे ख्याल से कर देंगे इसको। सर इस बार का 7 चरणों का लोकसभा चुनाव जो था वो शेड्यूल इसका बड़ा लंबा सा है, नाराजगी भी कई जगह लोगों में भी दिखी, क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? आई एग्री विद यू, मुझे कई लोगों ने कहा यार बहुत चुनाव है, बोर हो गए जो है एक तरह से। हालांकि कोई हिंसा नहीं हुई चुनाव में, इस बार खास बात चुनाव साइलेंट चुनाव था, बहुत सालों बाद चुनाव आयोग की तारीफ होनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री की तारीफ होनी चाहिए कि चुनाव बड़ा साइलेंट हुआ, पीसफुल हुआ जिसे कहते हैं, कोई कहीं से लड़ाई दंगा फसाद नहीं आया। खबर आई तो केवल ये आई कि इतने करोड़ पकड़े गए, कुल मिला के 5,000 करोड़ पकड़े गए, तो ये हुआ। लेकिन जनता के मन में थोड़ा सा लगा उनका इट इज टू लेंथी प्रोसेस, तो सरकार से इतना आग्रह है उन सब की तरफ से अगला चुनाव जब हो तो भाई आपकी जो लिमिटेशन हैं उनके अंदर रहते हुए भी कोशिश करो कि चुनाव 10 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन इसमें ख़त्म हो जाए। दिस इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल विच आई एम एक्सप्रेसिंग। सर अभी कुछ ही दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि ही इज द मोस्ट सेक्युलर लीडर इन दिस कंट्री, क्या मायने है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है, देखो वो मोदी भक्त हैं और मेरिट के आधार पर मोदी भक्त हैं। अभी हमारे एक फंक्शन में आए थे तो बड़ा अच्छा कन्विंसिंग उन्होंने बातें कही, तो उन्होंने ये भी कहा उसके अंदर कि भी नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट सेक्युलर लीडर, अपने आप के अंदर से बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट था, हिंदू मुस्लिम रेफरेंस में जो है कि मोस्ट सेकुलर लीडर बहुत डिफरेंट था, उन्होंने जस्टिफाई किया उसको। और उन्होंने इस बात को ये कहा उसके अंदर करने के लिए कि देखिए ऐसा है, जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी की हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना है, आपकी गैस चूल्हा की योजना है, फ्री नल की योजना है, बिजली की योजना है, महिला कल्याण की योजना है, पेंशन योजना है, कहाँ इसने डिफ्रेंशिएट किया है क्या हिंदू मुस्लिम के बीच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किया है क्या, कहीं नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि खाली नैरेटिव लोग बना रहे हैं, ग्राउंड रिलेटिव जो फंक्शनल गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है फंक्शनल, उसमें तो नरेंद्र मोदी के लिए सब बराबर है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये भाव था उसका। सर आप मुस्लिम पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह से समझते हैं, इस बार मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम किधर जा रहे हैं, और खास करके जो वो एक अपील की गई थी वोट जिहाद की, उसका कितना असर? ऐसा है कि इट्स ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि मुस्लिम किधर जा रहा है। आमतौर पर मुस्लिम बढ़ जाता था, इस बार उन्होंने सुना है कि लामबंद हुआ है थोड़ा, वो 86 वोट्स पे उसका असर है ब्रॉडली। और वैसे अगर देखा जाए सर्वे के हिसाब से तो ऑल इज़ वेल विजा विज मुस्लिम विजा विज मोदी। इंडिया टुडे ने सर्वे किया भी, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री पद के उपयुक्त कौन है, राहुल या नरेंद्र मोदी, तो 55% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी, राहुल 35%। एक टेस्ट हुआ थोड़ा सा, इंडिया टुडे क्रेडिबल मैगजीन है, उसका लेवल भी सैंपल का काफ़ी बड़ा होता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा 51% साथ हैं सरकार के। फिर सवाल आया कि अपोजिशन कल को अगर आता है गठबंधन तो आना चाहिए कि नहीं गठबंधन, तो 59% लोगों ने कहा गठबंधन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक और बड़ी घटना, हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता है चैनल पर रोज़ रात को, मोदी मुसलमान मुल्क, मुल्क मुसलमान मोदी चलता है, हमारे पहले थी रूविका जी, वो इसको चालू करके गई थी, अच्छा आइडिया था, वो चली गई और उन्होंने अपने नेटवर्क पे चलाया इसको, लेकिन वहाँ शायद TRP की सीमाएं रही होंगी तो इतना ज़्यादा नहीं चला पाए चुनाव में जो है, तो हमारे यहाँ तो लगातार चला वो, तो जो विरासत वो छोड़ गई थी तो हमारी लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। दैट वे जो है बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, मैंने कई बार देखा कि देश के कोने कोने से, खासकर उत्तर भारत के कोने कोने से, चाहे ये मध्य प्रदेश भोपाल हो आपका, रांची हो, जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, ठीक है ना, छोटे छोटे गांव फरुखाबाद हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, तो वहाँ के मुस्लिम्स का वो किया गया ऑन स्पॉट जो है इंटरव्यू, तो अधिकांश लोगों ने कहा कि मोदी के साथ हैं, कौन कहता मोदी साथ, मोदी ने क्या अच्छे काम किए, उन्होंने नाम गिनाए उन्होंने,
और उनके चेहरे पे कहीं ऐसा नहीं लगता था पुरुष महिलाओं के चेहरे पे कि बनावटी कर रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, बाकी सब बातें ठीक है, एवरी टेररिस्ट इज मुस्लिम, मुस्लिम टेररिस्ट, एक अलग कहानी चलती है, बाकी बेसिकली इस कम्युनिटी में उस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखेंगे तो ऐसा उनके चेहरे पर नाटक कर रहे हो, ऐसा महिलाएं नाटक कर रहे हो ऐसा मुझे नहीं लगता। और जितना भी क्राइम होता है ये होता है ना आपके 420 और इस तरह के जो बिजनेस इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इसे मैंने बहुत कम देखा है कि मुस्लिम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके दूसरे इश्यूज हैं, ठीक है ना, आतंकवाद से जुड़ गए, किसी और से जुड़ गए, कास्ट के इशू हो गए और मुस्लिम इशू हो गए, सेकुलर इशूज हो गए। तो उस संदर्भ में जब मैं मुस्लिम कम्युनिटी के कंडक्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जेन्युइन थे सारे जो लोग माइक पे बोल रहे थे। और अगर ये बात सच है, जो सच है, तो फिर जो नड्डा कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या में मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं। जेसी छो अंध भगत छो मोदी भगत छो या केड़े भगत छो या केड़ी रो, ये तुम दिती है दिखा। इस सारी इंटरव्यू नू वाच लियो ते गल्लां अपने नाल कर लियो कि मोदी जी कहते रहे ने 40 साल में भिक्षा लई ते 80 करोड़ लोगों नू मुफत राशन दे के भिखारी बनाता है, ये किड्डा वड्डा विश्व गुरु का अंजाम है, मुकाम है जिहड़ा हासिल किया है। देश नू 2 करोड़ नौकरियां चाहीदियां सी हर साल जिहड़ियां मोदी जी ने वायदा किया सी, ते 10 सालां विच 20 करोड़ नौकरियां तां लोगों नू देश के लोगों नू की मिलनियां सन, देश के लोगों की जिहड़ी जो हथ विच नौकरी सी कईआं दी ओह वी जांदी रही, ते सरकार ने आंकड़े सार्वजनक नहीं कीते। महंगाई का मुद्दा, तुसीं मैनूं ये दसो जे पेट खाली होएगा तो शौचालय जाओगे, जे पेट ही खाली है तो शौचालय कित्थों आएगा, तो शौचालय बना के किहड़ा कद्दू ही तीर वज गया। 80 करोड़ लोगों के हाथ विच 5 किलो राशन फड़ाउण का मतलब ये है कि उन्होंने मंगते बनाता, उन्होंने लथार्जिक बनाता, उन्होंने आलसी बनाता। जे यही मोदी जी डंके की चोट से कहते, ये अंध भगत डंके की चोट से कहते, जेसी साहब डंके की चोट से कहते कि 80 करोड़ लोगों नू रुजगार बना के देश की जिहड़ी $5 trillion की इकोनमी है उन्हू असी मल्टीफोल्ड मैनी मल्टीफोल्ड कर दिता है $1 trillion दे च, $10 trillion, $20 trillion, तो किसी समझ भी आती सी। मेड इन इंडिया नू मिटा के ते मेक इन इंडिया कर दिता। सलाम साहब, सलाम तुहानू, सलाम तुहाडे अंध भगतां नू, मोदी भगतां नू। ते जिहड़ी मैं पहली वीडियो पाई है उहदे विच RSS जिहड़ी है उन्हें मोदी जी तो दूरी क्यों बनाई है, ये विचार क्यों आए सोशल मीडिया ते। इस वेले जिहड़ी टीम है वह ये भी पूछ रही है देश के लोगों की कि 15 करोड़ साढ़े कित्थे गए जिहड़े आने सी 10 सालां च नहीं आए, कि यह मोदी जी की गरंटी है? इस गरंटी नू कौन अथबारेगा या कौन सत्कारेगा? तो एक गरंटी होर भी आ रही है जिहड़ा अजकल हर सोशल मीडिया की एड के उत्ते वक्रियां वक्रियां पार्टियां दियां एड्स आ रही ने। मैं कांग्रेस की भी देखी है एड, मैं मोदी जी की भी देखी है, उहदे विच यही गल आ रही है मोदी की गरंटी। लोग कहिंदे गरंटी तो इस गल की हुई है जिहड़ी आ तुहाडे नाल कर दित्ती है, होर कोई गरंटी नहीं। भुखे मारन की गरंटी कर दी है, मंगते बना की गरंटी कर दी है, तुहानू तरसाण की गरंटी कर दी है, लार्ज स्केल तुहाडा जेनोसाइड करन की गरंटी कर दी है। ये विचारां क्यों आंदियां मोदी जी? एक मन की बात, जाते जाते 4 जून तो पहले देश के नाँ एक संदेश के विच जरूर कर दिओ, तां कि तुहाडा जिहड़ा साफ दामन बेदाग है जिहड़ा, ये दामन बेदाग ही रहे। गल्लां इन्नियां खुद दे नाल करदा, सति श्री अकाल। एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल की इस पेज नूं वध तों वध शेयर कर देना, सबसक्राइब कर देना, ते सिर्फ विश्व गुरु
दे डंकियां दी चोट ते इनविटेशनां दी भरमार जिहड़ी लगी हुई है 2024 दे विच तीजी वारी आउणा ये लालसा कित्थों तक जाएगी देश नूं कित्थे ले जाएगी ये है सवाल तुहाडे नाल।